विधानसभा में अकेला मेरा लड़का चुनाव जीता और मैंने पूरी जान लगा दी, और जान लगाने के बाद वहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सब गए, कोई एक सीट नहीं जिता पाए, हमने उनकी नाक बचाई। मैं तो आज इतना शर्मिंदा हूँ कि अगर मेरा लड़का विधायक ना बना होता तो आम कुम्हार को गाली देते, लेकिन विधायक को नहीं। विधायक की श्रेणी बहुत होती है, पीएस से ज्यादा होती है। मैं तो उसमें सोच रहा हूँ कि SST एक्ट का मुकदमा कायम किया जाए और वो माफी मांगे और सार्वजनिक से SP माफी मांगे। अगर नहीं आएगा, ये माफी नहीं होगी, और तो हमारा मरना ठीक सीख है, हम जिंदा नहीं रहना चाहते, और हम ऐसी पार्टी ऐसे विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे, दिलवाने की कोशिश करूंगा। यात्रा और G20 में जो खजुराहो में कार्यक्रम होने वाला है, जब अपमान ये है, जब हम सुरक्षित नहीं है। आज उन्होंने कह दिया, हमारे यहाँ एक आदमी ने थोड़ी बात की, अभी वहाँ BD शर्मा जी ये सब चलाते हैं और वहाँ अरविंद पटेलिया उनका दलाल है, वहाँ एक एक आदमी 80-90% आदमी दिल्ली जम्मू कश्मीर इनके आतंक के कारण चला गया। अगर एक आदमी ने थोड़ी बोला तो 376 तीन आदमी के ऊपर लगाया। अभी मेरे घर में पकड़ ले आते हैं कि इनको भी 376 दुनिया भर के प्रकरण। तो मेरी पत्नी आज रोकर बोली कि आप मत बोलो, लड़का बर्बाद हो जाएंगे। तो ये है हमारी दुर्दशा, ये है हिंदू राष्ट्र, ये है जहाँ SC का आदमी, मैं तो कहता हूँ SC समाप्त करो। आप ऐसे बिल्कुल ऐसे विधायक बनना से बेकार, विधायक बनाना बेकार चीज है। तो हम तो चाहते हैं कि कार्रवाई हो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नरेंद्र मिश्रा जी, माननीय अमित शाह जी से, और कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसी कुर्सी को हम विधायक का अपमान नहीं सहते। हम सदन में 5 लाख लोगों का अपमान नहीं सहेंगे, हमें स्वयं जूता सहना पड़े हम सह लेंगे। हमारे लड़के को, हमारी बीवी को जितने केस लगाएं, जितने जेल में, नेल्सन मंडेला जेल में मर गया, मैं नेल्सन मंडेला तो नहीं हो सकता।